करो। ओ भाई। सो गाइज देख ही सकते हो आप लोग कितना खूबसूरत सा प्लेस है एंड यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी हनी को लेकर। तो ये रहा अपनी बाइक एंड इतना खूबसूरत सा प्लेस में विथ सुपर बाइक। तो यस फाइनली विथ माय सुपर बाइक विलेज राइड। और गाइस जो सामने वाला है एक्चुअली मिट्टी का घर है, टू फ्लोर मिट्टी का घर है। इधर खाना वाना चल रहा है सब। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन एंड वंस अगेन और एक अमेजिंग सा वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। आज संडे है, दोपहर के 12 बज रहे एंड जैसा कि मैंने पिछला वाला ब्लॉग में बोला था कि मैं एक विलेज राइड करने वाला हूँ अपना हनी को लेकर, तो फाइनली आज मैं जाने वाला हूँ। तो मैं जाऊँगा बाइक पे एंड पीछे हम लोगों का कार, उसमें जाएगा मम्मी पापा एंड मेरा भाई जावेद। तो जावेद से एक्चुअली बहुत दिन से तबीयत खराब था, आज फाइनली वो ठीक हो चुका है ना। तो एनीवेज गाइस चलो बाइक पे मिलते हैं एंड बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ मैं अपने विलेज अपने गाँव के घर में एंड वो भी सुपर बाइक लेकर। तो बहुत साल पहले मैं गया था तो फिर से जाने वाला हूँ। तो होप सो वीडियो तो बहुत ही अच्छा बनेगा एंड जहाँ पर जाने वाले हैं उसका सीनिक व्यू भी कमाल का है। तो पूरा वीडियो देखना एंड इस वीडियो का एम करते लाइक का 12,000 टारगेट देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से लाइक करना एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो निकलते हैं एंड अपने हनी पे मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर। सो ये लोग अभी जा रहे हैं कार में, मैं अपने हनी पे एंड मैं अगर जाता तो इतना गर्मी में कार में जा सकता था गाइस, बट मुझे बनाना है वीडियो एंड आप लोगों को दिखाना है अपना गांव का घर जो मैंने बहुत टाइम तक नहीं दिखाया आप लोगों को एंड बहुत टाइम तक मैंने विलेज राइड वाला वीडियो भी नहीं बनाया। ओके ओके सावधानी जाऊँगा। तो गाइस चलो मिरर्स को ओपन करते हैं एंड बाइक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाइक ऑलरेडी वार्म अप है, चलो निकलते हैं। एंड वो रही अपनी और एक कार इनोवा, ये रही अपनी डिज़ायर, वो रही अपनी थार एंड ये रही अपनी हनी। तो गाइज़ हम लोगों का जो गांव का घर है वो अराउंड 40 किलोमीटर्स है, लाइक अराउंड 15 किलोमीटर्स हाईवे मिलने वाला है, बाकी का रोड मिलेगा लोकल रोड बट फुल विथ सीनिक ब्यूटी। तो चलो एंड आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना गांव का घर एंड मेरा गांव एक्चुअली है आमता में, ठीक है। एंड मेरा जब उम्र था 2.5 साल, जब मेरा उम्र 2.5 साल था तब मैं आ चुका था यहाँ पर, मतलब बांकड़ा पे जहाँ पर हम लोग अभी रहते हैं। तो 2.5 साल के उम्र तक मैं रहता था आमता में, फिर फॉर बिजनेस रिलेटेड हम लोग यहाँ पर आ गए एंड यही बन चुका है हम लोगों का परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। तो आज का वीडियो तो गाइस बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, आप लोग पूरा वीडियो देखना ओके। एंड मैंने लाइक का एम दे दिया है 12,000, तो ज़रूर से हर बंदे जो मुझसे प्यार करते हैं ज़रूर से लाइक मारना गाइस, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। यार भाई लोग आज मैं बाइक पे हूँ, मम्मी पापा लोग कार में। तो मैं तो बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा यार, बट मम्मी ने बोला है कि धीरे चलाने के लिए। यार गाइस आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब मेरे पास आईसी थी ना फायरब्लेड, तब मम्मी पापा लोग कार में जा रहे थे एंड मैं बाइक पे, तो मम्मी ने बोला था कि धीरे चलाना, बट मैंने अपना जो कार है उसको जब क्रॉस किया तब आई वॉज 250+, तो उसके बाद से मम्मी और बाइक चलाने नहीं देती थी, बट फिर बहुत कन्विंस करने के बाद फिर मान गई। अभी मैंने क्रॉस किया इनोवा को। तो गाइज अभी मुझे लेना है फ्यूल, क्योंकि ये बहुत फ्यूल पीती है, मैडम को अभी फ्यूल अप करना पड़ेगा नहीं तो फिर मेरा साथ छोड़ देगी, जाएगी नहीं गांव के घर तक। यार गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बट आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, अभी आराम से एसी में जाते हैं यार। बट बाइक लेके जाने का भी मज़ा अलग है बॉस, क्योंकि मेरा मन था एंड आप लोगों को पता रहेगा शायद से कि मेरे पास जब आईसी थी ना तब एक बारी से मैं गया था अपने गांव के घर में, उसके बाद नहीं गया था। फिर जब मिल्की थी, मिल्की को लेकर एक बार भी नहीं मैं गया था, इवन कि जिक्सी को लेकर भी नहीं गया था मैं,
आज फाइनली हनी को लेके जा रहा हूँ, और एक खाली खाली सा हाईवे पूरा। अरे बाप रे गाइस, फर्स्ट टाइम मैंने इस वाले बाइक पे 200 टच किया। ओ भाई साहब, क्या पावरफुल बाइक है यार, सीरियसली मजा ही आ गया। मतलब टाइम ही नहीं लगा यार 200 पहुंचने में। सो गाइस, अपनी जो बाइक है वो ग्रीन कलर की है, एंड आज हम लोग जाएंगे डीप इनटू द नेचर, मतलब ग्रीनरी के अंदर जाएंगे, तो कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का बनेगा। एंड मैं नहीं चाहता कि आप लोग वीडियो मिस करो, बहुत ही अमेजिंग पार्ट रहने वाले इस वीडियो में। आई होप आप लोगों ने इंट्रो देख लिया होगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि यार हार्डली 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, तो ज़रूर से पूरा वीडियो देखना एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे हो कि एक दिन का गैप में मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा मैं रेगुलर हो चुका हूँ। तो इसके लिए यार सब्सक्राइब तो बनता है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो यार अभी आराम से एसी में चलते, बट एंजॉय कर रहा हूँ भाई, सीरियसली यार। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैंने बाइक परचेस किया, एंड आप लोगों का रिक्वेस्ट की वजह से ही मैं अभी इसको लेकर अपने गांव के घर में आ रहा हूँ। तो यस, एंजॉइंग अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। तो बस इसी तरह प्यार बरसाते रहो एंड सपोर्ट करते रहो, ठीक है। एंड गाइज, वन मोर थिंग, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बाइकर बॉयज नाइन नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एंड अब स्क्रीन के ऊपर भी नाम आ रहा है, वहीं पर तो मैं अमेजिंग पिक्चर्स हो, रील्स हो, स्टोरीज हो, सब डालता हूँ, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना भाई लोग, ओके। एंड चलो, ओ भाई, ओ यार कमाल की बाइक है यार, दिस इज अ रॉकेट मैन। तो गाइज, अभी अपन आ चुके हैं धुलोगो टोल प्लाजा, यहाँ से जाएंगे रानी हाटी, एंड फिर रानी हाटी से हम लोग अंदर की तरफ चले जाएंगे। वो देखो अपना गाड़ी टोल टैक्स में फंस गई है जावेद भाई। एंड गाइज, अभी तो जाएंगे अपने, पहले देखो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ, मेरा नानी का घर भी उधर है एंड मेरा दादी का घर भी उधर है, ठीक है। तो पहले जाएंगे नानी के घर में, वहाँ पर थोड़ा सा आज लाइक फैमिली गेट टुगेदर वैसा कुछ प्लान है, तो पहले वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर लंच करके फिर जाएंगे अपने दादी के घर के साइड में, एंड आसपास में घूमेंगे। तो मेरे साथ कंपनी देने के लिए आ जाएगा मेरा कज़न ब्रदर राज, बहुत दिन उससे भी मुलाकात नहीं होगा, तो उसके साथ मुलाकात हो जाएगा, फिर एक साथ दोनों मिलके जाएंगे बाइक पे, एंड अमेजिंग प्लेस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइज, ये हम लोग अभी आ चुके हैं रानी हाटी, तो इधर से अभी हम लोग जाएंगे राइट के साइड में, यहाँ से हाईवे होता है ख़त्म, पूरा लोकल रोड मिलने वाला है अभी अपन लोगों को, फुल विथ सीनिक ब्यूटी। हम लोग रहते तो है बांकड़ा में, बट साल में 2 या 3 बार हम लोग आते विजिट करते हैं, हाय, साल में 2-3 बार विजिट करना पड़ता है हम लोगों को गांव के घर में, क्योंकि मेरी दादी रहती है वहां पे, माय दादाजी एक्सपायर्ड, माय नाना जी नानी जी ऑल्सो एक्सपायर्ड, बट दादी जी है एंड मेरे अंकल लोग भी है, तो जब भी हम लोग ईद मनाने के लिए जाते हैं तब भी वहीं पर जाते हैं एक साथ। यार गाइज, यहाँ पर ज़्यादा स्पीड अप नहीं कर पा रहे हैं यार, कोई भी कभी भी किधर से भी आ जा रहा है, तो एकदम 60-70 मैक्सिमम 80 के स्पीड में चलाना पड़ रहा है। अरे सब्सक्राइबर मिल गया, आगे 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 आगे। गाइज, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब अभी तो एक्चुअल विलेज स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो फिर भी नॉर्मल है यार, एक्चुअल विलेज जब स्टार्ट होगा आप लोग देखोगे यार, पूरा ईंट से बना हुआ रोड है, पूरा पेड़ों से ढका हुआ रास्ता है, बहुत ही कमाल का लगेगा। ओ माय गॉड, नन्हा सा बकरी रोड पे आ गई यार, एक चीज़ मुझे अच्छा लगता था इधर, वो है कि इधर का रोड अच्छा था एंड सीनिक व्यू भी अच्छा था, पर देखो यार अभी रोड का कंडीशन ख़राब हो गया है बहुत। गाइस, ये जो जगह आप लोग देख सकते हो, ये सामने का पूरा पोर्शन, ये आपके भाई का है, जी हाँ गाइस, ये मेरा है एक्चुअली, तो फ्यूचर में कोई एक प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड,
तो यस जब अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर बन जाएगा तो और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मुझे विजिट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो गाइस अराउंड 35 किलोमीटर्स आ चुके हैं और थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर और भी डीप इनटू द नेचर हम लोग घुस जाएंगे। ये तो फिर भी यार मेन रोड है, यहाँ से बस चलती है, बट इसके भी अंदर हम लोग घुसेंगे एंड वो एकदम टिपिकल विलेज लगेगा आप लोगों को। तो गाइस अब आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड को घुसते हैं और भी विलेज के अंदर और देखो गाइस, वाह वाह गाइस। एक इंसिडेंट बताता हूँ, यहाँ से मैं फोर व्हीलर लेके जा रहा था और एक रिस्का वाले को मैंने मारा और वो इधर गिर गया था बट इधर मुझे कोई कुछ बोलता नहीं है यार। देखो रोड कितना पतला हो चुका है एंड कितना गांव के अंदर हम लोग घुस चुके हैं। अरे मोटू, अरे हायाबुसा नहीं है यार, निंजा है पूरा। देखो गाइस दोनों तरफ सिर्फ तालाब एंड तालाब। तो गाइस अभी टाइम कितने हो रहे हैं, 1 बज गए हैं एंड अभी का प्लान है जाएंगे नानी के घर में, वहाँ पर जाकर लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद फटाक से निकलेंगे, दादी के घर में जाएंगे या तो और किसी एक प्लेस में जाएंगे जो अच्छा रहेगा। मेरा गाइड मेरे साथ रहेगा तब, राज भाई। एंड आगे जाकर ना पूरा बम्बू का जो पेड़ होता है वो देखने के लिए मिलेंगे। हाँ जी ये वाला प्लेस देखो गाइस, जगह देखो। हाँ चलो यहाँ पर रोकते हैं बाइक को एंड यहाँ पर एक स्टोरी मारता हूँ मैं, बट जगह तो देखो गाइस पूरा एकदम बैम्बू के पेड़ से ढका हुआ है। और ये रही अपनी खूबसूरत सी हनी, सीरियसली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल यार। सो गाइस देख ही सकते हो आप लोग कितना खूबसूरत सा प्लेस है एंड यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी हनी को लेकर। सो ये रहा अपनी बाइक एंड इतना खूबसूरत सा प्लेस में विथ सुपर बाइक एंड जस्ट अभी तो नानी के घर में आए हैं, इसके बाद जाएंगे दादी के घर में और भी अमेजिंग प्लेस विजिट करेंगे एंड आई एम ऑल्सो कैरिंग माई ड्रोन। सो होप्स अगर टाइम मिलेगा एंड सीनिक व्यू अच्छा मिलेगा तो ड्रोन शॉट भी लेंगे। तो येस फाइनली विथ माई सुपर बाइक विलेज राइड। तो ज़रूर से इस वाले वीडियो को गाइज लाइक मारना एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना एंड मुझे सजेस्ट करना यार कि और कौन कौन सा टाइप का वीडियो आप लोग देखना चाहते हो। तो ये वाला वीडियो तो ज़बरदस्त बन रहा है और भी वीडियो इंशाल्लाह फ्यूचर में आएंगे। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे सब्सक्राइब एंड मैंने स्टोरीज भी डाल दिया बहुत अमेजिंग वाला, तो मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में, बाइकर बॉय जाहिर नाम है देखो यहाँ पर आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो ज़रूर से फॉलो करना गाइज एंड यस चलो अभी घुसते हैं नानी के घर में। ओके थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट उठा देंगे बाइक को, चलो बने रहो एंड देखते रहो गाइस। सुनो कोयल, चलो यार चलते हैं अब। वाव यार वाव अब यहाँ से थोड़ा सा घुसाना डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत नैरो सा रोड है। मिरर्स में क्लोज कर लेता हूँ एक मिनट, देखो आप लोग से अब इधर से भी घुसाना पड़ेगा यार। चलो गाइज एंड अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड एज यू कैन सी मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह पे हूँ एंड मेरे साथ है मेरी कज़न सिस्टर सुहाना। तो एक्चुअली ये मुझे घुमा फिरा कर दिखा रही है एंड गाइज एक्चुअली आज मतलब नानी के घर में आने का प्लान इसलिए बना क्योंकि आज मेरा नाना जी का बर्सी है, तो इसलिए हम लोग आए हैं। अभी उधर खाना वाना सब चल रहा है एंड जस्ट लुक एट द प्लेस, कितना खूबसूरत लग रहा है एंड मतलब पेड़ों के बीच से सनरेज जो आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलो मैं जाकर आप लोगों को अभी दिखाता हूँ अपना नानी का घर ठीक से। एक्चुअली वहाँ पर खाना वाना चल रहा है तो ज़्यादा ठीक से नहीं दिखा पाऊंगा बट जितना दिखा पाऊंगा आई होप सब लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा लाइक मिट्टी का घर है, चलो आप लोगों को दिखाते हैं एंड सीरियसली दिस प्लेस इज सो प्लीजेंट, सो ब्यूटीफुल यार,
मतलब एकदम शांत सा माहौल है। चलो दिखाते हैं आप लोगों को। तो इधर एज यू कैन सी इधर खाने वाला का पूरा एकदम माहौल लगा है, उधर मेरा बाइक है। और गाइस ये जो सामने वाला है एक्चुअली मिट्टी का घर है, 2 फ्लोर मिट्टी का घर है, इधर खाना वाना चल रहा है सब। हाँ ये वाला टूट गया एक्चुअली, नया बनेगा बहुत जल्द। और ये गाइस राज भाई, ये आज मुझे लेके जाएंगे घुमाने के लिए, इधर का काम एक बार निपटा ले उसके बाद हम लोग जाएंगे, ठीक है, आफ्टर लंच। एंड इधर अभी बहुत लोग खा रहे हैं। एंड ये रहा वो भी है, भी पूरा का पूरा पूरा का पूरा नानी का घर है, पूरा एरिया जो है नानी का घर है। ये वाला पुराना निशानी है, पुराना निशानी है, ये पहले था। अच्छा, उसके बाद ये वाला बना है। वो जो पीछे वाला है बड़ा वाला कॉन्क्रीट का, वो बाद में बना है, ये पहले से है। और ये निशानी के हिसाब से छोड़ दिया गया है। अभी पूरा मिट्टी का घर है गाइस, 2 फ्लोर मिट्टी का घर है, ये रहेगा। अच्छा